कहानी है तो जफरवाल की, लेकिन इसकी इब्तिदा कराची से होती है। नौजवान कौम जिन सालों में अपनी बुनियादों का बंदोबस्त कर रही थी, एक मुस्तकबिल, तालीम के दर्जे, काबिलियत की सीढ़ी से चढ़ रहा था। गखड़ों के पुराने देहात एक एक करके नक्शों पे सेक्टरों में तब्दील होते जा रहे थे, जिनमें नामानूस नंबर अंग्रेजी के हरूफ से जुड़कर नई आबादियों का निशान बन रहे थे। स्कूल का सिलसिला शुरू हुआ तो 65 की जंग हो चुकी थी। अल्लाह, आर्टिलरी एंड एयरफोर्स का मुहावरा फौजी हलकों से निकलकर मामूल का जुमला बन चुका था। जमीन पे और लोग थे जो अपना काम कर रहे थे, जबकि सहरा और दरिया को साया फगन करने का अज्म किसी और दिल में जगह बना चुका था। उड़ान की पहली मंजिल रिसालपुर थी। पासिंग आउट परेड के दिन एजाजात की फहरिस्त तवील थी, मगर वसूल कुनिंदा कम थे। एक हाथ में एजाजी शमशीर, दूसरे में बेहतरीन हवाबाज की सनद और शानों पे चेयरमैन ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ मेडल का सुनहरा रिबन। जिस सफर का आगाज इस कामरानी से हो, इसके संग मील भी गैर मामूली हुआ करते हैं। असाकर की दुनिया में कमान, स्टाफ और इंस्ट्रक्शन की तकोन ही कामयाबी की अलामत है। कमान की फहरिस्त पे नजर डाले तो नंबर 11 फाइटर स्क्वाडन, नंबर 38 फ्लाइंग विंग, F-16 तैयारों पर मुश्तमिल मुसहफ और शहबाज एयर बेसिस और सेंट्रल एयर कमांड का निशान मिलता है। स्टाफ के जिम्न में एयर चीफ्स के पर्सनल स्टाफ ऑफिसर, असिस्टेंट और डेप्यूटी चीफ ऑफ स्टाफ ऑपरेशंस, DGC-4I, डेप्यूटी चीफ ऑफ एयर स्टाफ सपोर्ट और DG एयर फोर्स स्ट्रेटेजिक कमांड के ओहदे दर्ज हैं, और तदरीस के बाब में क्वालिफाइड फ्लाइंग इंस्ट्रक्टर, कॉम्बैट कमांडर स्कूल, स्टाफ कॉलेज जॉर्डन, एयर वॉर कॉलेज और नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी की असनाद हैं। एयरफोर्स के मुख्तलिफ तरबियती और जंगी जहाजों पर 3000 घंटों की उड़ाने भरने का एजाज भी आप ही के शाया निशान है। 19 मार्च सन 2018 को 22वें चीफ ऑफ द एयर स्टाफ का ओहदा संभालने के बाद से आज तक आपकी बसीरत, दानिशमंदी और जीरक कयादत ने पाकिस्तान एयरफोर्स को दुनिया की काबिल तरीन फिजाई अफवाज के हम पल्ला रखा है। इस्तेदाद के मैदान में GF-17 ब्लॉक 2 का रोल आउट, ब्लॉक 3 की प्रोडक्शन का आगाज और बैनुल अक्वामी मशकों का इनकाद जैसे अहम मरहले तय किए गए, जबकि इंतजाम और इंसराम की मद में मोबाइल कुतुबखानों का कयाम अमल में आया। क्लीन एंड ग्रीन एयरफोर्स के लिए ठोस इकदाम किए गए और तालीमी इदारों की तादाद में भी इजाफा देखने में आया। पाक बहरिया के साथ आपकी वाबस्तगी दर हकीकत उसी हम आहंगी की पेशबिनी है जो मुस्तकबिल के किसी भी महाज पे कामयाबी की पहली शर्त होगी। दोनों अफवाज के माबैन मुश्तरका मशकों में पेशावराना हम आहंगी और राबते को मुअस्सर और फाल बनाने में आपका किरदार काबिल कद्र रहा है। तकरीम का पैमाना कोई भी हो, जोहरे काबिल इससे सिवा होता है। It is an honor to lead today's flypast, presenting my salute to this great Pakistani nation. Pakistan Zindabad. मगर हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से इम्तियाज के निशान, हिलाल और सितारे आपके नाम का हिस्सा बनाए, वो एतराफ काबिल रश्क है। तुर्क हुकूमत ने भी आपकी सलाहियतों को लीजन ऑफ मेरिट की सूरत तस्लीम किया। ये सब गैर मामूली तो है, मगर पूरब और पश्चिम से आगे एक नीलगो आसमां भी है, जिसकी बेकरार वसतों में कुछ वाकयात तारीख का रिस्क होने के मुंतजर हुआ करते हैं। 27 फरवरी का दिन अब पाक फजाइया की तारीख में जुर्रत और काबिलियत का इस्तआरा है। इस दिन के दामन में शुजात की वो दास्तान है
जो आने वाले कई दहाइयों तक जमीन से जुड़ी माया आसमान को छूने के ख्वाब देखने वाले बच्चों को सुनाएंगी। Shut down two Indian jets today. इस दिन के ताकुब में कई रातें हैं जो हमारे हवाबाजों और उनके मुआमनीन ने हुनरमंदी, तकनीकी महारत और पेशावराना काबिलियत के हुसूल में जाग कर गुजारी हैं। और ये सफर आपने अकेले नहीं तय किया। जिस रफीक ने आपके साथ एक नए दौर का आगाज किया था, वो वक्त की सभी कठिनाइयों के बावजूद आज भी उसी खंदा पेशानी के साथ आपकी उन कामरानियों का तस्करा सुन रही हैं, जैसे पफवा के दामन में आने वाली खवातीन की रोजमर्रा बातचीत। इनका दोहरा शुक्रिया कि इन्होंने अपने घर के साथ साथ इस फौज को भी एक खानवादे में ढाला और एहसास के धागे से जोड़े रखा। छतनारे दरख्तों की तरह यहां फल भी था और छांव भी। तो कभी नौजवान अफसरान की बीवियों के शिकवे सुने और कभी सीनियर बेगमात के शुक्राने। वक्त की यही खूबी है कि गुजर जाता है। आपकी पेशेवराना जिंदगी मौजूदा और आने वाली नस्लों के लिए हमेशा बाइस तकलीद रहेगी। पाकिस्तान! आपका अस्करी सफर तमाम हो रहा है, मगर कस्बे कमाले कुन की जो रिवायत आप छोड़कर जा रहे हैं, वो शाहीन की उस गूंज की मानिंद देर तक फिजा में रहेगी। सहरास्त के दरियास्त तहे बालों पर मास्त।